हेलो एवरीवन, मफालेदार मैजिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निकिता त्यागी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं सिरके वाली प्याज की रेसिपी, जो अक्सर आप ढाबे पर खाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह पर आपको ये रेड वाली प्याज मिलती है सिरके वाली। इसे आज हम घर पर बनाएंगे। बनाना काफ़ी आसान है और खाने में एकदम लाजवाब लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इन प्याज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है प्याज। तो प्याज मैं यहाँ पर मीडियम साइज की ले रही हूँ, मतलब मीडियम साइज की ले लें आप या थोड़ी छोटी ही प्याज यहाँ पर लेनी है और इन्हें अच्छे से हमें छील लेना है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सभी प्याजों को छील लूँगी। और इसी तरह से सभी प्याजों को हमें यहाँ पर छील लेना है। तो सारी प्याज मैंने यहाँ पर छील ली हैं। ये इस तरह से छील लेने के बाद इन्हें अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक गिलास पानी इसमें डालकर इन्हें अच्छे से इस तरह से मैं धो लूँगी और ये पानी को अलग हटा देंगे। तो पानी मैंने निकाल दिया है इसमें से। इसके बाद इसमें कुछ हमें कट लगाना है इस तरह से, देखो इस तरह से हमें यहाँ पर दो कट लगा देने हैं। ये देखिए, तो जितनी भी प्याजें हैं यहाँ पर इनमें मैं इसी तरह से कट लगा दूँगी सभी में। तो सारी प्याजों में मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। उसके बाद लेंगे कुछ और सामान जो हमें यहाँ पर चाहिए, जैसे कि ये ले लिया है मैंने चकुंदर, और इस तरह से इसे दोनों तरफ से कट करके मैं छील लूँगी। तो यहाँ मैं आधा चकुंदर ले रही हूँ, इस तरह से इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी मैं। और इसे एक साइड रखते हैं, बाकी के को अलग हटा देते हैं। उसके बाद लिया है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसके लंबी लंबी स्लाइसेस इस तरह से कट कर लूँगी मैं। तो अदरक कट हो जाने के बाद ले लेते हैं थोड़ा सा लहसुन। इस तरह से 4 से 5 कली मैंने लहसुन की ले ली हैं। इन्हें अच्छे से पहले छील लेना है सभी को, और छील लेने के बाद इसे भी हम पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लूंगी। और अब ले रही हूँ मैं 4 से 5 हरी मिर्च। इनके डांटले को इस तरह से अलग हटा दूंगी और इन्हें बीच से इस तरह से 2 पीसेस में कर लूंगी। चलिए अब ले लेते हैं प्याज। तो ये जो प्याज है इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा कटोरी के करीब में पानी, यानी आधा कप मैंने पानी डाला है इसमें। जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ उतना ही हमें इसमें विनेगर डालना है, यानी सफ़ेद सिरका जो होता है, ये दीजिए विनेगर। तो आधा ही कप यहाँ पर मैं विनेगर लूँगी और इसे भी डाल दूँगी इस तरह से। जितना हमने पानी लिया है उतना ही विनेगर लेना है, बस इतना डालना है कि प्याज जो है हमारी हल्की सी डूब जाए। उसके बाद ये अदरक इसमें डाल दूंगी, लहसुन भी डालना है इसमें ही, और साथ ही हरी मिर्च भी। इन सभी को डालने के बाद चकुंदर डाल देंगे और ऊपर से अब डालूंगी थोड़ी सी इसमें मैं ये दालचीनी के टुकड़े और 7 से 8 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च डाली है मैंने। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शुगर यानी चीनी, और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इस तरह से जब हमारी प्याज अच्छे से डूब रही है पानी में या और सफेद सिरके में, तो इसे हमें ढककर 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है। 8 से 10 घंटे बाद हटाकर देख लेते हैं प्लेट। ये लीजिए, हमारी सिरके वाली प्याज यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। देखिए, ये देखिए, मैं एक आपको निकाल कर दिखाती हूँ। आपने देखा होगा जो रेस्टोरेंट वगैरह पर आप खाना खाने जाते हैं या आप घर ऑर्डर करते हैं, तो अक्सर इसी तरह की प्याज आपको वहाँ पर खाने के लिए मिलती हैं। तो वो इसी तरह से बनाई जाती हैं। आप आसानी से अपने घर पर इस तरह से सिरके वाली प्याज बना सकते हैं। ये देखिए, और आप जब इन्हें खाते हैं तो इनके ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए
और इस तरह से आप इन्हें खा सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए निकाल लेती हूँ एक बड़े से बाउल में। और ये लीजिए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी सिरके वाली प्याज घर पर ही आसानी से बनकर तैयार हो गई हैं। कोई भी मेहनत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा का काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने इस तरह से सिरके वाली प्याज बनाकर तैयार कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।